वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू भैन जी, मैं फरिश्ता नहीं बनी हैगी, मैं तो सिर्फ एक चपैरा साहब का प्रचार किया, धन धन शहीद बाबा दीप सिंह जी का। चपैरे साहब तो तुसी कट्टे हैगे आ, ते तुहानू मैं एक जुगति दसी सी किद्दां कट्टणे आ, ते महाराज ने देख लो तुहाडियां किन्नियां झोलियां भरियां, किन्ने काम किते हैगे आ सच्चे पातशाह जी महाराज ने। ते बहुत सारी संगत दे इदा काम होए हैगे आ, ते जिहड़ी पुरानी संगत मेरे नाल जुड़ी सी, मैनूं लगदा उह तां उहनां दे सारिआं दे ऑलमोस्ट काम संपूर्ण किते बाबा दीप सिंह जी महाराज ने। सारिआं दीआं झोलियां भरियां, सारिआं नूं महाराज ने खुशियां दित्तियां, ते बहुत चंगा लगदा हैगा जदों इदा दा मैसेज आपां पढ़दे हैगे आ कि किन्ना विश्वास होर वधदा हैगा चपैरा साहब ते। सो मैं तो जिदा 8-9 साल हो गए सी कटद्या, जिदा मैं कट्टे सी उदा ही मैं तुहानू दस रही हैगी हाँ। सो मेरा प्रचार इदा नहीं हैगा कि मैं उस चीज़ का खुद तजर्बा नहीं किया, तो मैं उदा ही प्रचार करी जा रही हैगी हाँ, है ना। सो इदा नहीं हैगा जिदा मैं किते सी उदे साध संगत नूं कहा, उन्होंने भी उदा ही किते आ, तो महाराज ने किन्ने काम किते हैगे आ, है ना। सो बड़ी खुशी हुंदी आ, कई भैणां जिन्हां दे बच्चे नहीं सी होए, कोई 18 साल बाद किसी दे बच्चा होया, किसी दे 10 साल बाद होया, है ना। हुण तुहानूं मैं एक होर स्टोरी दसदी हाँ कि एक लेडी सी, तो वो भी बेचारी बहुत दुखी सीगी। उहदा दुख इह सीगा कि उहदा हसबेंड जिहड़ा सीगा उहनूं पाठ नहीं सी करन दिंदा हैगा, तो जदों भी उहने गुटका साहब फड़ना तो उहने पिछों गाला कढ़ी जाणी आ। वह मतलब इन्निया मतलब बुरी तरह उन्होंने ट्रीट करता सी, मैंटली टॉर्चर करता सीगा, कहिंदी पता नहीं उन्होंने की हो जाता सी रब वालों कि जो मैं कहिंदी गुटका साहब फड़ना उदों ने गाला कढ़न लग पैना, जे मैं कमरे चाहते कहिंदे उन्हें बाहर गाला कढ़ी जानी है, जे मैं गुरुद्वारे गई हाँ तो गुरुद्वारे जिदे मैं कहिंदी उन्हें आना, तो कहिंदी मेरे उत्ते उन्हें मेरे करैक्टर के उत्ते भी चिक्कड़ सुट्टन लग पैंदा सी, तू गुरुद्वारे जानी आ, उत्थे बाबिआं नूं देखण जानी आ, इदां आ उदां आ, है ना। बहुत मतलब बेचारी परेशान सी, कहिंदी जदों मैं कहिंदी भी तुहाडियां चपैरा साहब दियां, कहिंदी भी मैं किरण जदों वीडियो देखियां ते मैं चपैरा साहब कट्टन लगी, कहिंदी हुण इन्ना फर्क पै गया, गाला तां बिल्कुल ही कढ़नों हट गया, इनफैक्ट ये कहन लग पिया भी तू मैनूं देसी घिओ फड़ा, मैं जोत जगा के आना अंदर कमरे च। ते कहिंदी मैं हैरान हो गई कि उही बंदा, कहिंदी साडे घरे होर कोई प्रॉब्लम नहीं सी, इही सी कहिंदी जदों मैं पाठ करन लगना इन्हें गाला कढ़न लग पैना, रोटी बना दी मारी गुटका फड़ लैंदी आ, काम करन दी मारी गुटका फड़ लैंदी, एवें कोई ना कोई कहिंदी कोई कहानी तैयार करके कहिंदी मैनूं टॉर्चर करदा सीगा। पर इदां बहुत बाबा दीप सिंह जी महाराज की कृपा हुंदी आ, शहीदी पैरे भी लग जांदे आ। सो बाबा दीप सिंह जी महाराज दे मैं बहुत कोतक देखे आ, बहुत ज़्यादा महाराज दे कोतक देखे, मैं इन्ने कोतक देखे कि तुहानूं मैं शब्दां च भी बयान नहीं कर सकती हैगी। सो तुसी भी जदों खुद चपैरा साहब कट्टोगे तो महाराज जे कृपा करनगे तो तुहानूं भी मतलब इत्थे ही सारा कुछ दिखा देंगे, उपर कोई स्वर्ग नर्ग नहीं हैगा, इत्थे ही स्वर्ग ते नर्क इत्थे ही हैगा, इत्थे महाराज तुहानूं सारा कुछ दिखा देंदे हैगे आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।